वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं आज एक कंपनी का चर्चा करने वाला हूँ जहाँ से मुझे एक रुपया भी अर्न नहीं हुआ। एक रुपया मतलब भाई ये मतलब कंपनी का वीडियो बना के नहीं, वहाँ मैं काम किया। ये राजस्थान भिवाड़ी, आप लोगों को पता होगा। राजस्थान भिवाड़ी में वहाँ पे लगभग 2 से 3 मंथ रहा था, दोबारा भी गया था। 2 से 3 मंथ रहा था वहाँ पे, लगभग 3 कंपनी में वर्क किया। मैं कंपनी का नाम भी बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिला, वर्क करने के बाद पेमेंट नहीं मिला। पहला कंपनी पॉली प्लास्टिक, इसमें मैं लगभग मैं 15 दिन प्लस काम किया, 12 घंटे, और सैलरी वहाँ बताया 14, और ओटी वोटी करके लगभग 10,000 पेमेंट वहाँ फंसा हुआ है। उसके बाद मैं दूसरा कंपनी वर्क किया था, दूसरा कंपनी का मैं नाम भूल गया था, लेकिन मैं SBR ऑटो। तो भाई SBR ऑटो के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि उसका बार बार प्लेसमेंट होते रहता है कहीं ना कहीं। तो SBR ऑटो में भी अभी तक पेमेंट फंसा हुआ है। उसमें भी लगभग मैं 5 डे वर्क किया था, और मतलब वहाँ पे HR ने रोक दिया, बोला कि तुम आपका डिप्लोमा पे सिलेक्शन नहीं हुआ गया, आप 10 पे वर्क करिएगा तो आप कर सकते हैं। तो मैंने छोड़ दिया और बोला सर सैलरी, तो बोला सैलरी साथ पा जाएगा, लेकिन सैलरी दिया नहीं। और दूसरा कंपनी भाई ये आप लोगों का जो हेलमेट वाला कंपनी है वहाँ पे, वो कंपनी में मैं वहाँ वर्क किया। तीनों कंपनी में सैलरी अभी तक फंसा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो 7 को आएगा, और 7 को कॉल करते हैं तो 28 को आएगा। तो भाई पेमेंट देने वाला है नहीं, फिर भी मैं फिलहाल आप लोग उसको कॉन्ट्रैक्टर को तंग करते रहूंगा, और होगा तो कभी कभी आप लोगों को भी लाइव में आके आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके लाइव सुनाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है। तो वहीं का कंपनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये भी कंपनी वैसी होगा, फ्रॉड ही होगा। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, और जाइएगा संभाल के जाइएगा। तो ये हैवेल्स कंपनी, हैवेल्स कंपनी भाई इसमें जो है जो ITI है उसके लिए अच्छा है, जो मतलब गवर्नमेंट ITI किए हैं उनका सैलरी अच्छा खासा बनने वाला है। 12 घंटे का सैलरी, आपका सैलरी 15,000 प्लस बन जाएगा, और जो प्राइवेट से ITI किया उनका सैलरी 14,000 बनेगा, और जो है जो 10th 12th पास है उनका सैलरी 13,000 बनेगा। तो मैं कॉन्ट्रेक्टर से बात किया था, तो उन्होंने बताया कि भाई डिप्लोमा का कोई यहाँ पे डिप्लोमा का सैलरी 13,000 10th बेस पे मिल जाएगा, 13,000 ही रहेगा। ग्रेजुएशन का सैलरी भी उतना ही रहेगा। तो भाई डिप्लोमा का इसमें नहीं जाइएगा, डिप्लोमा का मैं अपडेट करते रहता हूँ और चैनल पे बताते रहता हूँ, तो डिप्लोमा का अलग जगह, इस कंपनी हैवेल्स कंपनी में नहीं जाइएगा। वर्क इसमें भाई हार्ड ही होने वाला है, और इसमें जो है आप लोगों को सैलरी का डिस्कस हो गया, और इसमें आप लोग 27 तारीख तक जा सकते हैं, और 27 तारीख तक वहाँ पे जाइएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को चैनल का नाम बता दीजिएगा तो वो ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। लेकिन भाई सैलरी इसमें मैं भी गारंटी नहीं लूँगा कि सैलरी आपका फंसेगा। राजस्थान में मेरा सैलरी फंसा है, इसलिए भाई मैं बार बार कह रहा हूँ सैलरी यहाँ पे आप लोगों को अगर महीना भर काम करते हो तो सैलरी 100% देगा ही, वही 15 दिन 10 दिन का सैलरी आपको फंसा ही लिया जाएगा। जैसे आप लोग राजस्थान में कोई भी कंपनी में सैलरी 10 तारीख को आता है, 1 से 10 का सैलरी आपका कभी भी मतलब 2 6 महीना 5 महीना करके भी आइए, रिजाइन दे के आइए, फिर भी सैलरी फंसा लेगा। मैं रिजाइन भी दिया हूँ पॉली प्लास्टिक में, रिजाइन भी दिया हूँ, बोला पहले तुम्हारा रिजाइन नहीं है, तो रिजाइन लेटर भी मैं दिया हूँ, फिर भी मेरा रिजाइन लेटर का वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, फिर भी सैलरी वहाँ का नहीं आया। ड्यूटी टाइम हैवेल्स कंपनी में 12 घंटे होने वाला है। अटेंडेंस अवार्ड 2,000, और संडे अवार्ड 1,200। अगर संडे करते हैं तो 1,200 आप लोगों को संडे अवार्ड मिलेगा। और भाई इसमें इलेक्ट्रीशियन का मतलब खास रिक्वायरमेंट होता है, और इलेक्ट्रीशियन जो भी है, इलेक्ट्रीशियन मतलब ITI 2 ईयर से डिग्री जिसका भी है वो आ सकते हैं, उसका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन भाई राजस्थान में मैं बार बार कह रहा हूँ कि सैलरी यहाँ पे फंसाता है, मेरा 3 कंपनी में सैलरी फंसा हुआ है। लगभग 4 मंथ पहले ही मैं राजस्थान की कंपनी में, तीनों कंपनी में वर्क किया था, और तीनों कंपनी का पेमेंट अभी तक फंसाया हुआ है। तो आप लोग जाइएगा थोड़ा संभल के, और कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा सा अच्छा से बात करके। तो भाई जो भी जाइएगा मुझे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, इंस्टा पे हो या इसी पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, और वहाँ पे अगर सैलरी फंसेगा तो मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा। मेरा तो सैलरी फंसा हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सैलरी नहीं फंसे। तो हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अभी रिक्वायरमेंट पूरा चल रहा है, और 27 तक आप जाते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो सैलरी मैं फिर से एक बार डिस्कस आप लोगों को कर दे दूंगा, क्योंकि जो 8th 10th 12th का सैलरी 13,000 है, अगर 26 ड्यूटी पूरा आते हैं इसमें 2,000 एड हो जाएगा, तो भाई सैलरी आप लोग का 15,000 बन जाएगा। प्राइवेट ITI जो भी हैं उनका सैलरी 14,000, और अटेंडेंस अवार 2,000, तो ये 16,000 सैलरी बन जाएगा। और BA और गवर्नमेंट ITI जो भी BA किए हुए हैं और गवर्नमेंट ITI, उसका सैलरी 15,000 बनेगा, और 2,000 ऐड कर दीजिए अटेंडेंस बार, तो 17,000 सैलरी 12 घंटे का बन जाएगा। अगर संडे करते हैं तो 1,200 रुपया और ऐड कर दीजिए, तो भाई 17 18 18 प्लस सैलरी बन जाएगा। तो आप लोग 12 घंटा करिएगा तो 18 प्लस सैलरी बन जाएगा। लेकिन डिप्लोमा है तो डिप्लोमा खास इसमें कोई रोल नहीं है, 10th पास पर लगेगा, डिप्लोमा नहीं जाइएगा। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें सुविधा भी भाई दिया हुआ है PR PSI
और रविवार सरकारी अवकाश और खाना बस सुविधा भी है। तो भाई कोई भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में डॉक्यूमेंट क्या लगता है उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अगर टेंथ पास है तो टेंथ का मार्कशीट आप लोगों को लेके जाना ही पड़ेगा, टेंथ का मार्कशीट मान्य रहेगा और मार्कशीट उसके बाद जो है मतलब जो ITI जाइएगा तो ITI का भी मार्कशीट ले लीजिएगा और टेंथ का भी मार्कशीट ले लीजिएगा। और जो डिप्लोमा पर डिप्लोमा का मार्कशीट और टेंथ का मार्कशीट मान्य रहता कोई भी कंपनी में, सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके ही जाना है, कोई भी कंपनी में आधार कार्ड का सिलेक्शन नहीं होगा। आधार कार्ड बैंक पासबुक नहीं है तो वहाँ कोई भी कंपनी में मतलब खाता खुलवा दिया जाता है, तो उनका टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन 3 मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक रहना जरूरी है। और कोई कोई कंपनी में जो है कोरोना वैक्सीन मांगता है तो आप लोगों को निकाल के लेके जाना है। और फोटो कोई कंपनी मांगता है, कोई कंपनी में नहीं मांगता है, तो 2 से 3 फोटो भी आप लोगों को लेके जाना है। पैन कार्ड है तो लेके जाइएगा, कोई कंपनी मांगता है कोई कंपनी में नहीं मांगता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगभग 3-4 डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को, जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो, ये 4 लेके जाना है। कोरोना वैक्सीन है तो लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा, कोई कंपनी मांगता है कोई कंपनी नहीं मांगता है। पैन कार्ड है तो कोई कंपनी मांगता है किसी में नहीं मांगता है। लेकिन भाई बेंगलोर अगर जाते हैं तो बेंगलोर कोई भी कंपनी में आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक ये वोटर कार्ड, तीनों आप लोगों को लेके जाना है, फिर ही तो ही आप लोगों को वहाँ बेंगलोर में सिलेक्शन होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लेकिन इधर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में ये सब नहीं मांगता, आधार कार्ड है तो चलेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।